शिक्षक दिवस के अवसर पर नागरिक अधिकार मंच द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोड़वा खुर्द परगे नगर स्थित सिटी लॉन में शिक्षक दिवस मनाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कोड़वा खुर्द क्षेत्र के 30 शिक्षकों और 2 शिक्षकों शहनाज रफीक सज्जन एंग्लो उर्दू हाई स्कूल और मोलेडीना हाई स्कूल के जिया इम्तियाज शेख को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भाजपा प्रवक्ता महाराष्ट्र राज्य अली भाई दारूवाला, विशेषज्ञ सदस्य स्कूल शिक्षा और खेल विभाग प्रोफेसर असमा शेख पटेल और उद्योगपति नाना साहेब पारगे, भाजपा युवा नेता इसहाक भाई पानसरे कुमार सभाइम, सोसाइटी के अध्यक्ष सबीर सैयद, आफरीन पठान, अजीत साइमन, मुनाफ शेख, शरीफा सैयद, शकूर सैयद, खलील अहमद, आशिफ शेख, श्रीमती पठान, सफीन शेख और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। उस समय समीर शफी पठान ने कहा कि कोड़वा खुर्द क्षेत्र में बड़ी संख्या में शिक्षक रहते हैं और हमें उन शिक्षकों को सम्मानित करने का अवसर मिला है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करके समाज के छात्रों को सही रास्ता दिखाया है। शिक्षा एवं उनका चयन कर उन्हें सम्मानित करने का अवसर हमें मिला है और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षकों एवं महिलाओं ने भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम बनाने में मुजाहिद खान, तौसीफ मुजाबर, इमरान जमादार, रियाज बागबान, फिरोज खान, समीर शेख, मुबारक शेख, रिजवान सैयद, वाहिद सज्जन, अंजू मुंशी, मुजाहिद रायली, विकास गायकवाड़, आसिफ खान, शहबाज शेख, अशरफ शेख, शाहिद पठान, इमरान सफल, अजय कामटे, अफान शेख, सादाब शेख ने योगदान दिया और कार्यक्रम का संचालन तकदीर रसीद सैयद सर ने किया और धन्यवाद ज्ञापन निखिल रोकड़े ने दिया। उल्लेखनीय कामगिरी करना रहा शिक्षकांना दर वर्षी आम्ही पुरस्कार देतो, या वर्षी देखील हा पुरस्कार 16 या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे। मी सर्व भारतीय शिक्षकांना शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो, त्यांच्या पुढील वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि तकदीर रशीद सय्यद सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झालेला असं सांगतो। जय हिंद, जय हिंद। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।